हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप कैसे हो? अच्छा, आपकी पढ़ाई हो भी रही है या सिर्फ मस्ती मस्ती हो रही है? चलिए, मैं आपकी न्यू हिंदी टीचर, मेरा नाम है संगीता शर्मा। आज से आपको मैं ही हिंदी पढ़ाऊंगी, ओके? आपको लास्ट टाइम आपकी जो मैम आपको हिंदी पढ़ाती थी, उन्होंने आपको कुछ कविताएँ लर्न कराई थी। कविता कराई थी प्रार्थना, हे भगवान तुझे प्रणाम। चलिए, आज हम जो लास्ट टाइम मैम ने आपको पढ़ाया था उसका रिवीजन हम करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे। चलिए, तो पहली प्रार्थना थी हे भगवान तुझे प्रणाम। हे भगवान तुझे प्रणाम, हे भगवान तुझे प्रणाम, तेरे बच्चे हम हो सच्चे, हे तेरे बच्चे हम हो सच्चे, हे भगवान तुझे प्रणाम। पढ़ लिख कर हम योग्य बनेंगे, नित्य बढ़ेंगे बड़े चलेंगे, दो वरदान हे भगवान, हे भगवान तुझे प्रणाम, हे भगवान तुझे प्रणाम। आपको मैम ने ये वाली कविता का अभ्यास कराया था, आपको ये कविता अच्छे से याद भी हो गई होगी। एक आपको दूसरी भी कविता मैम ने अभ्यास कराई थी, कौन सी कराई थी? वो है छोटी सी मुन्नी। चलिए, हम आज उसका भी अभ्यास करेंगे, जिससे आपको याद आ जाएगा कि मैम ने ये वाली हमें कविता भी करवाई थी। चलिए, नन्नी छोटी सी एक मुन्नी है, नन्नी छोटी सी एक मुन्नी है, लाल लाल उसकी चुन्नी है। देखो, मैम ने तो लाल चुन्नी डाली नहीं है, लेकिन लाल चुन्नी आपको नर्सरी में मैम ने लाल कलर का अभ्यास कराया है, रेड एप्पल होता है ना। चलिए, छोटी सी एक मुन्नी है, लाल लाल उसकी चुन्नी है, तिल्ले वाला उसका सूट, काले काले उसके बूट, नर्सरी में पढ़ती है, सबको टाटा करती है। ये वाली कविता आपको बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगी, आपको आसानी से याद हो जाएगी और प्रार्थना भी अच्छे से याद हो जाएगी, ये वाली कविता भी अच्छे से याद हो जाएगी, क्योंकि ये आपको मैम ने बहुत बार अभ्यास इसका करवाया है। चलिए, अब आपको मैम ने कुछ व्यंजन का भी अभ्यास कराया था, जैसे का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, घा से घड़ी, अड़ा खाने, ये होते हैं व्यंजन। आपने नर्सरी में पढ़े थे स्वर, स्वर होते हैं आ से अह तक, छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईक, छोटे उसे उल्लू, बड़े उसे ऊन, छोटी ए से एड़ी, बड़ी ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, अहा खाली। ये आपने नर्सरी में पढ़े थे, ये होते हैं स्वर, लेकिन अब आपको एलकेजी में हम आपको व्यंजन का अभ्यास करवाएंगे। व्यंजन होते हैं क से लेकर ज्ञ तक, व्यंजन क्या होते हैं? क से लेकर ज्ञ तक। तो मैम ने आपको क से ड़ तक का अभ्यास कराया है, मैं आज आपको नया व्यंजन सिखाऊंगी, वो है च। कौन सा व्यंजन है? च। चलिए, अब आपको च व्यंजन की पहचान कराने के लिए मुझे कुछ चित्र भी दिखाने पड़ेंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि ये च व्यंजन है? तो देखिए, च व्यंजन के कई चित्र होते हैं, जैसे च से चम्मच। अभी मैम ने अपने पास देखिए एक चम्मच भी रखी है, ये चम्मच जिससे आप खाना खाते हैं खाना है ना, इसको स्पून बोलते हो आप, तो ये है च से चम्मच। इसका हम चित्र आपको दिखाएंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये व्यंजन च से चम्मच वाला चा है, ठीक है ना। तो च से चम्मच, च से चटाई, च से चरखा, च से चलनी, और भी च व्यंजन के कई चित्र होते हैं कि आप चित्रों को देखते ही च अक्षर की पहचान कर सकेंगे। तो आज मैं आपको च व्यंजन लिखना सिखाऊंगी और आपको ये च व्यंजन का अभ्यास अपनी फेयर नोटबुक में, जिसमें अभी तक आपने क से लेके ड़ा तक के व्यंजन लिखे हैं, उसी में आपको आगे च व्यंजन भी
लिखना है और च व्यंजन का लिख लिख कर बार बार अभ्यास भी करना है। ठीक है, चलिए तो मैं आज आपको च व्यंजन लिखना सिखाऊंगी। आपको मैम अभी तो स्कूल आ पा नहीं रहे हो और मैम भी नहीं है, तो आपको मैम ऐसे नोटबुक में ये लाइन ड्रॉ करके देती है। ठीक है, अब आपको च व्यंजन कैसे बनाना है, पहले आपको ये सीधी लाइन बनानी है। ये जो आपकी हिंदी की दो लाइन की कॉपी है उसमें ही आपको हिंदी लिखना है। ये वाली आपने सीधी लाइन बनाई, इसके इसी कॉर्नर से एक अर्ध गोला बनाते हुए इसको धीरे धीरे ऊपर ले जाते हुए रोक देना है, और फिर एक सीधी लाइन जिसको आप स्टैंडिंग लाइन भी बोलते हैं वो बना देनी है। तो आपका कौन सा व्यंजन बन जाएगा, च। अब इसको हमने तीन बार में लिखा था, पहले हमने सीधी लाइन बनाई थी, फिर एक ऊपर से नीचे ले जाते हुए अर्ध गोला बनाते हुए ये सीधी लाइन खींचकर इसको बनाया था। ये तीन बार में हमने रोक रोक कर च बनाया था, लेकिन अब हमको एक बार में ही च बनाना है। जैसे ऐसे यूं घुमाते हुए ले जाना है और एक सीधी लाइन बनाकर इसको कंप्लीट करना है। हमारा ये क्या बन गया, च व्यंजन। कौन सा व्यंजन बन गया, च व्यंजन। आपको च व्यंजन बार बार लिखकर अभ्यास करना है और अच्छे से अभ्यास करना है कि आपको अच्छे से च व्यंजन बनाना आ जाए। ये देखिए मैम कितने धीरे धीरे बना रही हैं, सीधी लाइन यूँ फिर ऐसे इसको घुमाते हुए ऊपर ले गए और एक सीधी लाइन। आपको दिख रहा है ना मैम कैसे बना रही हैं, आपको भी ऐसे ही बनाना है। चलिए ये है च व्यंजन। तो मैम ने आज आपको कौन सा नया अक्षर सिखाया है, च। कौन सा अक्षर सिखाया है, च। आपको अपनी फेयर नोटबुक में इसका बार बार लिखकर अभ्यास करना है तो आप इसे आराम से आसानी से बना सकोगे। ठीक है, चलिए अब मैं आपको आज मैंने जो आपको दोनों हिंदी की कविताएं और ये व्यंजन सिखाया है इसका मैं आपसे फिर बोलूँगी कि आपको इसका बार बार अभ्यास करना है। लिख लिख कर खेलना भी है, मस्ती भी करनी है, लेकिन आपको पढ़ाई भी करनी है। और जब तक आपके पापा मम्मी आपको बाहर जाने की परमिशन नहीं देते, जब तक आपको बाहर नहीं जाना है, घर में रहना है। ओके, अपना ध्यान रखना। ओके, बाय।